हरियाणा के प्रगतिशील किसान खेती को अलग स्तर पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवा किसान दूसरों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। इस क्रम में नारायणगढ़ के गांव मगहरपुरा में युवा किसान हरीश विदेशों से फूलों का बीज मंगाकर फूलों की खेती कर रहे हैं और लाखों रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से मिल रहे प्रोत्साहन की भी उन्होंने सराहना की। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाई दे रहे रंग बिरंगे फूल किसानों की खुशहाली को बयां कर रहे हैं। पारंपरिक खेती छोड़ किसान बागवानी का रुख कर लाखों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। दिखाई दे रहा नजारा नारायणगढ़ के मगहरपुरा का है, जहां युवा किसान हरीश जापान और अमेरिका जैसे देशों से फूलों के बीज मंगाते हैं और उनकी यहाँ खेती कर मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ तैयार की फूलों की पौध की यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग होने से ये खेती फायदेमंद साबित हुई है। फूलों एवं सजावटी पौधों की खेती लगभग 4.5 एकड़ में प्रगतिशील किसान हरीश द्वारा की जा रही है, जिसका टर्नओवर 50 से 60 लाख रुपए है और मुनाफा 25 से 30 लाख रुपए। यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं अपने गमलों के अंदर पॉली हाउस में जो पुणे की वैरायटीज हैं, जितनी भी फूलों की वो हम यहीं पे तैयार करते हैं, क्योंकि पुणे से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पड़ता है और नर्सरीज वालों को उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो हमने उसको फिर यहीं पर तैयार करना शुरू कर दिया। ये आप हमारी पारंपरिक खेती से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। मेहनत ज़रूर ज़्यादा है लेकिन मुनाफा भी उस हिसाब से ज़्यादा है। और इसमें हम यहाँ पर गमलों में जो गमलों में प्लांट्स तैयार हो रहे हैं, उसके अलावा हम पौध भी तैयार कर रहे हैं फूलों की प्लग ट्रेज के अंदर, जो सभी नर्सरीज़ के अंदर जितने भी नर्सरीज हैं उत्तर भारत की, उन सभी में वो सप्लाई की जाती है सर्दी और गर्मी की। प्रगतिशील किसान हरीश सैनी ने लीज पर 4.5 एकड़ भूमि गांव मगहरपुरा में लेकर उस पर बागवानी विभाग की स्कीम के अंतर्गत नेट हाउस और पॉली हाउस लगाया है, जिस पर उन्हें 65% की सब्सिडी भी मिली है। इन नेट और पॉली हाउस में फूलों की पौध और फूल तैयार किए जा रहे हैं। गांव सरसेहड़ी के युवा किसान हरीश सैनी ने BSc कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। वो बताते हैं कि उनके पिता की अम्बाला छावनी में फूलों की नर्सरी थी, जिससे उनका फूलों की नर्सरी प्लस इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी की, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ी। हमारा ये प्लांट 4.5 एकड़ में है, जिसके अंदर हमारा 1.5 एकड़ में पॉली हाउस है और 2 एकड़ के अंदर नेट हाउस है। फूलों की हमारे पास जो पौध है, हमारे पास सर्दी के अंदर जैसे पेंजी पिटूनिया, कार्नेशन, रेनेंकुलस, पेंजी, ये इस तरह की, और गर्मी की भी ऐसे ही है, हमारा विनका, जीनिया, आपका कोचिया, ये सब चीज़ें आपकी गर्मी की। हम सीड है, इसका सीड इंपोर्ट होता है, जो मोस्टली हमारा जैसे जापान, अमेरिका, इन कंट्री से इंपोर्ट होता है। उस हाइब्रिड सीड को ही हम ट्रेज में उगा के आगे प्रोवाइड करते हैं उनको, नर्सरीज वालों को। आपको बता दें कि किसान हरीश के फार्म में 1 एकड़ में पॉली हाउस सीड लिंक सेक्शन, 1.5 एकड़ में अन्य पॉली हाउस लगे हैं, जिसमें एरो ड्रिप सिस्टम से गमलों में ही पौध तैयार की जाती हैं, और करीब 2 एकड़ में नेट हाउस लगाया हुआ है। 1 एकड़ में करीब 12 लाख फूलों की पौध तैयार होती है। हरीश ने बताया कि उनके फार्म में सर्दियों और गर्मियों में तैयार होने वाले फूलों की पूरी वैरायटी है। सर्दी में तैयार होने वाली फूलों की वैरायटी में हाइब्रिड गेंदा, दंथूस, गजेनिया समेत कई किस्मों के इम्पोर्टेड बीज से वो पौध तैयार कर रहे हैं, जो कि 30 से 40 दिन में तैयार होते हैं। वहीं गर्मी की किस्मों में मैन विंका यानी सदाबहार फूल, पोर्चुलाका जिसे दोपहर खड़ी भी कहा जाता है, ये फूल दोपहर में खिलते हैं, कोचिया, सिलोसिया, कॉस्मोस, पपीता और तुलसी के पौधे भी तैयार किए जाते हैं। उत्तर भारत में जैसे देहरादून है, जो थोक की मार्केट है, यूपी है, उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, यहाँ हमारा पूरे, और चंडीगढ़, यहाँ पर हमारी मेन खपत रहती है इनकी। हमसे नर्सरीज वाले लेके जाते हैं ज़्यादा होलसेल में। कितने लोगों को रोजगार? यहाँ लगभग 30 से 40 लोगों को रोजगार मिला हुआ। और क्या जानकारी देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि किसानों को पारंपरिक खेती से हटके इस दूसरी खेती की तरफ जाना चाहिए, ताकि वो और तरक्की कर सकें। लेकिन इस काम में आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। सही मायनों में युवा प्रगतिशील किसान हरीश ने आधुनिक तरीके से खेती में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उनकी कामयाबी हजारों लाखों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।
यहाँ नवीनतम और उच्च तकनीक का इस्तेमाल कर मुनाफे की खेती हो रही है। 4.5 एकड़ के फार्म में वीड मैड और एरो ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है। फूल तैयार करने के लिए पुणे की तकनीक भी यहाँ मौजूद है, तो वहीं अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए फव्वारा सिस्टम भी लगाया गया है। जनता टीवी के लिए नारायणगढ़ से राजेश वर्मा की रिपोर्ट।